हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं त्रिशा और आप देख रहे हो वंडर त्रिशा। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कैसे आप अपने फेस पे एक अच्छा सा बेस मेकअप अप्लाई कर सकते हो। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेकअप करने से पहले कैसे आप अपने स्किन को रेडी कर सकते हो, तो पहले आप वो वीडियो देख के आओ, फिर इस वीडियो को देखना। मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बेस मेकअप। अगर आप आपके मेकअप ठीक से नहीं किए हो तो बहुत ही जल्दी वो काला पड़ जाता है एंड केकी हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आपके मेकअप अप्लाई करने से आपके मेकअप ब्लैक नहीं होगा एंड केकी भी नहीं लगेगा। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। सो मेकअप अप्लाई करने से पहले आपको गर्मी में आपको आइस मसाज करना होगा। हाँ, ये आइस है, ये वाटर है प्लास्टिक के अंदर, मैंने इसे जमा लिया एंड मैं अब इसे ही अप्लाई करूंगी। इस तरह के प्लास्टिक के बैग में आप अगर बर्फ बनाओगे तो वो बहुत देर तक यूज़ कर सकते हो, गलने का कोई चांस नहीं है। तो मैं इसको ही अप्लाई करूंगी अपने फेस पर। गर्मी में आइस मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा आप एक मिनट तक करिए एंड उसके बाद आपका फेस पे जो पानी रहेगा वो आप पोछिए मत, वो आप सूखने दीजिए। बर्फ का पानी पूरी तरह से सूख जाने के बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा फेवरेट मॉइस्चराइजर। ये है मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर PAC का, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। तो मैं मेरा PAC का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। एक मिनट तक इसे रखने दीजिए, स्किन में अब्सॉर्ब होने दीजिए एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। एज ए प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का ये वाला प्राइमर, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड अगर आपके पास कोई प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी एज ए प्राइमर, बहुत ही थोड़ा सा लिया है। प्राइमर बेसिकली आपके जिस जिस जगह पे पसीना आता है बहुत, जैसे ये 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 ये, आप उस जगह पे प्राइमर अच्छे से लगा लीजिए। प्राइमर लगाने के बाद हम लोग 2 मिनट तक वेट करेंगे, फेस को रेडी होने देंगे और उसके बाद हम लोग बेस मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपके बेस मेकअप हल्का सा ग्लो वाला शाइन हो तो आप बेस मेकअप से पहले आप यूज़ कर सकते हो ये लिक्विड हाइलाइटर, मैं आज इसे यूज़ करूँगी। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो हो गया मेरा हाइलाइटर ब्लेंड। अब टाइम है ऑरेंज कंसीलर का। आपके पास अगर ऑरेंज कंसीलर है तो आप ऑरेंज कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप रेड या ऑरेंज या कोई भी रेडिश कलर का लिपस्टिक आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के लिए रेड कलर का ये लिपस्टिक यूज़ करूँगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। थोड़ा सा ही हमारे अंडर आई पे अप्लाई करूँगी एंड मैं हाथ से इसे ब्लेंड करूँगी। कंसीलर हमने कर लिया है ब्लेंड एंड इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अपना बेस मेकअप। अब बेस मेकअप क्या है? बेस मेकअप मतलब कोई भी तरह के फाउंडेशन क्रीम सा है एंड ये एक लैक्मे सुपरस्टे फाउंडेशन, ये फुल कवरेज है। तो मैं ये भी कभी कभी यूज़ करती हूँ एंड ये भी यूज़ करती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। ये मेरे पास 2 शेड का है ताकि मैं दोनों को मिला के मैं अपने कलर का शेड मैं बना सकूँ। आपके बेस मेकअप कभी कभी काला पड़ जाता है, इसका एक ही रीज़न है कि आपके फेस के शेड का वो बेस मेकअप है ही नहीं। राइट बेस मेकअप आप कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे आपको पता है कि ये आपके स्किन के लिए अच्छा है? तो पहले आपका फाउंडेशन लीजिए, आपको फेस पे नहीं अप्लाई करना, आपको अपने गले पे अप्लाई करना है। देखो ये बिल्कुल मेरे गले का शेड का है, ये देखो अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया। तो ये मेरे फेस के लिए परफेक्ट है। आपका फेस का कलर जो भी हो, आपका शेड जो भी हो, पहले आप उस बेस मेकअप को आपके गले पे अप्लाई करो। अगर वो बिल्कुल भी ब्लेंड हो गया तो आप समझिए वही आपका राइट बेस मेकअप है। मैंने मेरे पूरी फेस पे मेरा फाउंडेशन लगा लिया है एंड मैं ब्रश की मदद से इसे पेंट कर रही हूँ। आप सब लोगों में एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि आप ब्रश यूज़ करें या फिर ब्यूटी ब्लेंडर। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ब्रश वो लोग ही यूज़ कर सकते हैं जिन लोग मेकअप में बहुत ही परफेक्ट हैं। मैं भी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड नहीं कर सकती हूँ,
तो मैं भी ये ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करें आपके मेकअप को, इससे अच्छा सा इवन सा ब्लेंड हो जाता है। मेरा फाउंडेशन हो गया है ब्लेंड, तो अब बारी है कंसीलर की। तो मेरे पास कंसीलर तो नहीं है क्योंकि मैं कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा जो लाइट फाउंडेशन है मैं इसे ही एज ए कंसीलर यूज़ करती हूँ। कंसीलर हमेशा यहाँ एंड यहाँ ऐसे अप्लाई करना होता है। बारी है टी जोन। टी जोन मतलब फोरहेड, नोज, अपर लिप एंड मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे और गाइज। मैंने मेरा हाईलाइट जोन अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब मैं मेरे मेकअप को सेट करने वाली हूँ ये टील पाउडर से। ये क्रायलॉन का बनाना शेड का पाउडर है। इसे मैं पहले मेरे अंडर आई एंड उसके बाद दूसरे जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है उस जगह पे अप्लाई करूंगी। अब मैं इस ब्रश से पूरे पाउडर को क्लीन कर लूंगी, मतलब पूरे फेस पर फैला लूंगी। कॉन्ट्रोल करने के लिए मैं मेकअप स्टूडियो का ये वाला पैलेट यूज कर रही हूँ एंड इसके दोनों साइड पे हाईलाइटर है एंड बीच में कॉन्ट्रोल है। ये है कॉन्ट्रोल ब्रश। सो हमें इस तरह से कंट्रोल करना होगा, सेम यहाँ पे। पास ब्लश के लिए ये कलर बार का पिच कलर का एक ब्लश है। ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं इसे ही अप्लाई करूँगी। ब्लश हमेशा स्माइल करके अप्लाई करना चाहिए ऊपर की तरह। हो गया है हमारा ब्लश अप्लाई एंड अब हम करेंगे हाइलाइटर। तो हाईलाइटर के लिए मैं यही पैलेट यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का एंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये फैन ब्रश। देख सकते हो ऊपर की तरह ऐसे अप्लाई करते हैं सेम। सो हो गया है हमारा बेस मेकअप कंप्लीट। अब सिर्फ बाकी है आई मेकअप एंड लिपस्टिक, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे अगले वीडियो पर। तो तब तक के लिए बाय बाय।